प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बीते कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे दिल्ली कैंट स्थित सेना अस्पताल में भर्ती थे और लंबे समय से कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी ब्रेन सर्जरी हुई जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए उनके निधन की खबर दी। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री का पद संभाला। प्रणब मुखर्जी 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक देश के वित्त मंत्री रहे। 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक देश के विदेश मंत्री भी रहे। वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की काफी सराहना होती है। बीते वर्ष प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर 1969 में शुरू हुआ जब वे राज्यसभा के लिए चुने गए। 1973 में प्रणब मुखर्जी इंदिरा सरकार में शामिल हुए। 1982 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रहे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का जाना एक युग का अंत है। एनसीपी नेता ने उन्हें मार्गदर्शक के तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि प्रणब दा का जाना उनके लिए निजी क्षति है। पीएम मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट किया है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। सार्वजनिक प्रणब मुखर्जी लोगों के बीच प्रणब दा के नाम से लोकप्रिय थे। उनकी बेटी शमिष्ठा मुखर्जी और बेटे अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।